तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं यूजुअली ज्यादा आजकल न्यूज वीडियोस बना नहीं रहा हूं ताकि आप लोगों के साथ ज्यादा अपडेट्स नहीं डिस्कस कर पा रहा हूं, क्योंकि कंटेंट जो है मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की कुछ अलग, कुछ हटके, जो कि शायद आपको और किसी चैनल पर देखने को ना मिले। लेकिन कभी कभी कुछ इतनी अच्छी अपडेट्स आती हैं कि भाई मन कर जाता है न्यूज़ वीडियो बनाने का। तो ये न्यूज़ वीडियो होने वाली है जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं। आई थिंक कोडी रोड्स, जॉन सीना, जॉन मॉक्सली, रोमन रेंस और एक WWE का स्मैकडाउन का लाइव इवेंट जो कल हुआ, जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी बड़ा लाइव इवेंट था, उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और ऑल इलीट रेसलिंग की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, क्या वो हो सकती है ऑन AEW डायनामाइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये WWE का कल जो लाइव इवेंट हुआ, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, और वो था स्मैकडाउन की तरफ से। वहां पे रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर ब्रेक किया और ये हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से। इसलिए ये बड़ी बात है क्योंकि रोमन रेंस जब से बने हैं द ट्राइबल चीफ, वो पूरे तरीके से अपने हील कैरेक्टर के अंदर आ चुके हैं। कुछ भी चीज़ वो करते हैं स्मैकडाउन के ऊपर या फिर इवन ऑफ द एयर, ऐसा लगता नहीं है कि वो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर तोड़ रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने ये चीज़ करी और वो फर्स्ट टाइम लड़ रहे थे आफ्टर रेसलमेनिया, जहाँ पे उन्होंने कम्पीट भी करा। उस मैच के रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मैच के बाद रोमन रेंस ने एक थैंक यू स्पीच दी WWE यूनिवर्स को, जहाँ पे क्लियरली वो बात कर रहे थे एज रोमन रेंस, नॉट द ट्राइबल चीफ। और यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ पॉसिबल है, जिस तरीके से हम परफॉर्मर्स लगे रहते हैं पूरा साल, वो सिर्फ WWE यूनिवर्स की वजह से है। वो कहते हैं कि WWE का कोई वैसे भी ऑफ सीजन नहीं होता, रेसलमेनिया खत्म होते ही हम फिर से स्टार्ट हो जाते हैं आगे के शेड्यूल को लेके। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं WWE यूनिवर्स की वजह से, और सारे लोग जो कि बैक स्टेज काम करते हैं, बाकी सारा रोस्टर, उन सबको रोमन रेंस यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि ये चीज़ तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डिनाई कर दूंगा और मैं बोलूंगा वो मेरा या तो ट्विन था या फिर होलोग्राम था, एक्चुअली में मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो वो चाहते नहीं कि लोग सोशल मीडिया पे उनका प्रोमो पोस्ट करें ताकि पता लगे कि रोमन ने अपना कैरेक्टर ब्रेक कराया, लेकिन ऑब्वियसली वो जानते हैं कि वो चीज़ होने वाली है और ये सब सोशल मीडिया पे डल जाएगा। तो ये बड़ी स्टोरी बना दी गई कि रोमन रेंस ने कैरेक्टर ब्रेक करा, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ सुपरस्टार, क्योंकि रोमन को अब मौका नहीं मिलता है WWE यूनिवर्स को एक्नॉलेज करने का, क्योंकि हर समय वो चाहते हैं कि हम लोग उन्हें एक्नॉलेज करें। तो वो एक पॉइंट था रोमन रेंस जो कि देना चाहते थे, और प्रॉब्ली इतने टाइम बाद जब वो एक लाइव इवेंट में कम्पीट कर रहे थे आफ्टर रेसलमेनिया, तो उनको यहाँ पे ऐसा लगा होगा कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए WWE यूनिवर्स को, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों से फिर से मिलूंगा। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं देख के कि कैसे हम लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड रेसलिंग फैंस सपोर्ट करते हैं इन सारे सुपरस्टार्स को, WWE को। हम रेसलिंग देखते हैं हर एक हफ्ते, तो हमारा जो पैशन है वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन ये लोग जिस तरीके से आके, इनको भी ये बात पता है कि हम फैंस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, और वो चीज़ गाइस देख के काफ़ी बढ़िया लगी। इसके बाद अब आ जाते हैं इस लाइव इवेंट के रिजल्ट्स पे, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले बात करें तो शार्लेट जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है, उन्होंने हराया अलिया को, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि अलिया का रिसेंटली डेब्यू हुआ था स्मैकडाउन पे और अब वो गायब हो गई हैं, कुछ खास उनका देखने को मिला नहीं है। तो क्या वो नेक्स्ट इन लाइन हो सकती हैं आफ्टर रोंडा टू चैलेंज फॉर द टाइटल, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एजे स्टाइल्स ने हराया डेमियन प्रीस्ट को, और डेमियन ने यहाँ पे स्टील चेयर का यूज किया था, तो डिस्क्वालिफिकेशन से एजे जीत गए हैं। काइंड ऑफ वो सिमिलर चीज जो रॉ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिकोशे ने हराया सैमी जेन को। कोडी रोड्स का सेथ रॉलिंस के साथ रीमैच हुआ एक बार फिर से, जो कि बैकलैश में भी होने वाला है, और कोडी एक बार फिर से जीत गए। काफी ज्यादा सपोर्ट कोडी को मिला इस लाइव इवेंट में सुनने में आ रहा है, और कोडी के बारे में एक बड़ी स्टोरी है मेरे पास जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। रोमन रेंस का जो मैच हुआ मेन इवेंट में, वहां पे उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को डिफीट करा गाइस, और जो अब आने वाला यूरोपियन टूर है वहां पे भी रोमन ड्रू मैकइंटायर के साथ लड़ने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या सिर्फ लाइव इवेंट्स की प्रेपरेशन हो रही है ताकि रोमन और ड्रू जो है आपस में प्रिपेयर कर सकें फॉर द यूरोपियन टूर, या फिर एक्चुअली में स्टोरी लाइन के अंदर ड्रू मैकइंटायर को जल्दी मौका मिलेगा टू चैलेंज रोमन रेंस। इसके बाद फिन बैलर ने हराया ऑस्टिन थ्योरी को, या फिर सिर्फ थ्योरी को, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच था। और बेकी लिंच एक्चुअली इस इवेंट में आई, और हमें लग रहा था कि वो रेसलमेनिया के बाद टाइम ऑफ ले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। और बियांका एंड रिया रिप्ली के अगेंस्ट उनका मैच था, जहां पे बियांका जीत गई एंड शी रिटेन्ड द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ये थे इस लाइव इवेंट के रिजल्ट्स। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कोडी रोड्स की, क्योंकि कोडी रोड्स जब से वापस आए हैं WWE में, वो एक बड़ी बात तो बन चुकी है। हमको पता था कि वो आने वाले हैं, लेकिन उनकी बुकिंग अब कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी सारे रेसलिंग फैंस जानते हैं, और शायद WWE को ये बात क्लियरली पता है कि उनको अब कोडी के साथ करना क्या है।
क्योंकि NBC यूनिवर्सल का जो मेन चैनल है, जो कि सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप चैनल्स है USA में, हर किसी के घर में वो आता है, न्यूज चैनल है काइंड ऑफ, उस पर जब WWE की एड आई तो रोमन रेंज ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मैकडाउन को, लेकिन मंडे नाइट रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोडी रोड्स। तो क्लियरली WWE की इंटेंशन बताती है कि मंडे नाइट रॉ पे जो वो समझते हैं सबसे बड़ा स्टार इस टाइम पे है वो कोडी रोड्स है। और अभी जस्ट उनको 2 हफ्ते हुए हैं वापस आए हुए WWE में, लेकिन उनकी इंटेंशन क्लियर है कि इसको हम एक बड़े स्टार की तरह दिखा रहे हैं और कोई छोटी बात नहीं है कोडी रोड्स। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के। और क्या इसका मतलब ये है कि डाउन द लाइन कोडी एक टाइटल जीतने वाले हैं WWE में? बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, लेकिन कब तक वो मोमेंट हमें वेट करवाएगी वो गाइस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके हिसाब से कौन सा वो पॉइंट होना चाहिए जब कोडी को टाइटल मिले, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद बात करते हैं स्टोरी की जो कि एक दो दिन पहले ब्रेक हुई, एंड दैट इज रिगार्डिंग जॉन मॉक्सली, जो कि एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन है इस कोडी रोड्स की स्टोरी के बारे में। क्योंकि मैं एक चीज बहुत बार बोल चुका हूं, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बात करी 10 ऐसे AEW सुपरस्टार्स की जो कि फ्यूचर में WWE आ सकते हैं कोडी रोड्स के रिटर्न के बाद। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली का माना जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट 2023 की बजाय एक्चुअली 2022 में खत्म हो रहा है। अब आई डोंट नो कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच है और कहां से आ रहा है इसका एग्जैक्ट सोर्स, लेकिन जहां तक मुझे याद है लास्ट ईयर एंड में पता लगा था कि वो एक साल की एक्सटेंशन मॉक्सली ने साइन कर ली है और ओरिजिनली जो उनकी डील थी 2022 तक वो 2023 तक हो गई है। लेकिन अब रूमर्स कहते हैं कि वो 2022 में खत्म हो रही है और स्पेक्यूलेशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं कि क्या जॉन मॉक्सली विल बी द नेक्स्ट गाय हु एक्चुअली कम्स बैक टू द WWE। और मुझे पता है कि WWE फैंस एकदम पागल हो जाएंगे न्यूज सुन के, क्योंकि उनको पता है कि इसका मतलब क्या है कि शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हो सकती है, डीन एम्ब्रोस हमको देखने को मिल सकते हैं और WWE के लिए वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इस स्टोरी के आने के कुछ टाइम बाद ही डेव मेल्जर ने एक रिपोर्ट दी कि जॉन मॉक्सली ने उनको पर्सनली ये बात बताई है कि वो AEW के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस टाइम पे वो कुछ अपना आगे चेंज करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस। और जैसा कि मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इस चीज़ को ओवर हाइप नहीं करने वाला हूँ कि जॉन मॉक्सली तो वापस आने वाला है। कुछ लोग सोच के बैठे हैं कि मॉक्सली इज गोइंग टू कम बैक एट मनी इन द बैंक, ऐसा आई डोंट थिंक कि होने वाला है, क्योंकि टोनी खान के हाथों से जॉन मॉक्सली को वापस लेना आई थिंक एक बहुत बड़ी बात होगी WWE के लिए, क्योंकि उनको हर वो चीज़ मिल रही है ऑल एलीट रेसलिंग में जो उनको चाहिए। लेकिन आई डोंट नो क्या इतने टाइम में ही वो वापस आना चाहेंगे WWE में या फिर नहीं, वो एक अप इन द एयर सिचुएशन है, क्वेश्चन मार्क है, और इसको हम आंसर ना ही करें तो बेटर रहेगा। तो होप्स कुछ ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली गाइज वो एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल होने वाली मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू हमको पता लग चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस कर दी गई हैं। फिन बैलर अगेंस्ट थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि एक टाइटल चेंज देखने को मिलेगा एंड थ्योरी विल बिकम द चैंपियन, जिसका मतलब ये है कि फिन बैलर के लिए बहुत बुरी खबर है कि वो अपना टाइटल हार जाएंगे। बिल्कुल उनको अच्छा नहीं दिखाया गया एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और मैं इसके बारे में तभी ज़्यादा ओपिनियन दूंगा अगर एक्चुअली में ये कल चीज़ हो जाती है। केविन ओवेंस जो हैं वो इजीकियल यानी कि इलायस को एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू लेकर जाएंगे, तो ये एक फनी या एंटरटेनिंग सेगमेंट हो सकती है। आर्ट रूथ सेरेमनी करेंगे अपने दो कपल्स को लेके, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच फॉर द टैग टीम साशा बैंक्स एंड नेओमी अगेंस्ट रिया रिपली एंड लिव मॉर्गन, जहां पे आई थिंक कि रिया रिपली का हील टर्न फाइनली हो सकता है और वो लिव मॉर्गन के अगेंस्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑफिशियली कल के लिए अनाउंस करी गई हैं। किसके लिए आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं लेट मी नो। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो टोनी खान ने एक बार फिर से बोला है कि वो एक बड़ी अनाउंसमेंट लेके आने वाले हैं ऑन ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट, और इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली मैं डायनामाइट को लाइव देख के आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन बात यह है कि दो रूमर्स आ रहे हैं कि क्या ये अनाउंसमेंट हो सकती है। पहला ये कि ROH यानी कि रिंग ऑफ ऑनर के लिए उनको एक टीवी डील मिल गई है जो कि इससे पहले नहीं थी, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी कि उनको पैसा मिलने वाला है उस डील के थ्रू। लेकिन दूसरी और जो ज़्यादा स्ट्रांगली रूमर करी गई चीज़ है वो ये है कि AEW अपना न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कोलैबोरेशन में एक पेपर व्यू करने वाले हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो भी शिकागो में, और वो काइंड ऑफ आसपास होगा WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू जो कि लास वेगस में होने वाला है एक बहुत बड़े स्केल पे। तो अगर AEW जा रही है इस पेपर व्यू में अगेंस्ट न्यू जापान प्रो रेसलिंग, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, और माना जा रहा है कि वो छोटी मोटी अरीना नहीं बल्कि एक पूरा स्टेडियम बुक करने वाले हैं शिकागो के अंदर।
तो अगर ऐसा होता है तो उनके लिए प्रॉबेबली हिस्टोरिकली सबसे बड़ा इवेंट हो जाएगा। न्यू जापान के इतने सारे फैंस हैं और एक ड्रीम चीज है जो कि लोग इतने टाइम से देखना चाह रहे हैं। मे बी तब तक केनी ओमेगा वापस आ पाएंगे तो हमें बहुत सारे मैचेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ब्रायन का मैच किसी कमाल के सुपरस्टार के साथ और इसकी बिल्ड बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है। तो वेडनेसडे को हमको पता लग जाएगा इन दोनों में से कौन सी अनाउंसमेंट है। गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा है देखना। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं जॉन सीना की, क्योंकि एक बार फिर से रूमर्स आने स्टार्ट हो गए हैं कि इस साल वो वापस आएंगे WWE में। लास्ट ईयर वो आए थे जब रोमन रेंस के साथ उनकी वो कमाल की स्टोरी लाइन हुई थी। अब जॉन सीना कभी भी वापस आ सकते हैं रिपोर्ट ऐसा कहती है, और जबकि कोई डेट नहीं है कि कब वो वापस आ सकते हैं। माना जा रहा है कि विंस मैकमैन हमेशा ये बात जानते हैं कि अगर मुझे जॉन सीना की जरूरत पड़ेगी तो वो वापस आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रॉक की तरह सिचुएशन नहीं है कि भाई 2-3 साल में एक बार मुश्किल से फ्री है तो एक अपीयरेंस हमारे लिए कर ले। जॉन सीना अपने आप को बहुत अभी भी कनेक्टेड समझते हैं WWE के साथ, और वापस आना उनको कोई यहाँ पे बड़ी बात लगेगी नहीं। तो आप किस वे में जॉन सीना को इन्वॉल्व होते हुए देखना चाहेंगे? क्या समर स्लैम में एक बार फिर से वो रिटर्न कर सकते हैं, या फिर एक्चुअली जॉन सीना मनी इन द बैंक जीत सकते हैं इस साल आके? कुछ भी गाइस पॉसिबल है, बिकॉज ही इज जॉन सीना एंड वी कांट सी कि वो क्या करने वाले हैं WWE में। तो ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आएगा गाइस इसे लाइक करें, सभी चीजों पर अपने ओपिनियंस मुझे बताएं नीचे कॉमेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।